हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद चर्च धर्मांतरण घर वापसी सनातन आदि की चल रही चर्चाओं के बीच संत महात्मा भी अपने बयान देने में पीछे नहीं रह रहे हैं। कभी संस्कृत को लेकर, कभी धार्मिक किताब को लेकर, तो कभी किसी राजनेता के विवादित बयान पर चर्चाओं का सिलसिला कम होने का नाम नहीं ले रहा। इसी बीच पुरी पीठ के जगतपुर शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने भी यूपी के वाराणसी में एक बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने दावा किया कि अल्लाह शब्द संस्कृत का है और इसे माँ दुर्गा के आह्वान के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उन्होंने कहा कि अल्लाह शब्द मार्तवाचक और शक्तिवाचक शब्द है। बता दें कि स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने मीडिया से बात करते हुए कहा है, उन्होंने धर्म पर सवाल उठाने वालों को संस्कृत व्याकरण का अध्ययन करने की सलाह दी और सभी के पूर्वजों को सनातनी वैदिक आर्य बताया। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म एक ही है और बाकी सब पंथ हैं। साथ ही उन्होंने बागेश्वर धाम के पंडित आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का समर्थन भी किया। उन्होंने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री हिंदुओं को भटकने से रोक रहा है, उन्हें बचा रहा है। शास्त्री के काम को ठीक बताते हुए कहा कि उन्होंने कभी नहीं कहा कि वे चमत्कार करते हैं, वे हमेशा कहते हैं कि हनुमान जी की कृपा है। बता दें कि निश्चलानंद का ये बयान जमीयत उलेमाए हिंद प्रमुख मौलाना सैयद अरशद मदनी के बयान के बाद आया, जिसमें उन्होंने कहा था कि अल्लाह और ओम एक है। शंकराचार्य ने रामचरितमानस पर टिप्पणी करने वालों को चाणक्य नीति का अध्ययन करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि उन लोगों में हिम्मत है तो बाइबल और कुरान पर कटाक्ष करके दिखाएं। धर्म और राजनीति एक दूसरे से अलग नहीं है और धर्म के बिना राजनीति हो ही नहीं सकती। उन्होंने कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें।